आज सोनीपत में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो धर्म निरपेक्षता पर टिकी हुई है, और साथ ही उन्होंने कहा कि हर किसी को समानता के हिसाब से हक मिलना चाहिए। 2014 की कांग्रेस हार का कोई कारण तो जरूर हुआ होगा। बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज मौजूदा समय में मुद्दे पर भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है और बेरोजगारी बढ़ रही है, और आज किसान मजदूर व्यापारी हर वर्ग परेशान है। वहीं बीजेपी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी के दो ही कार्य रहते हैं, धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक धर्म निरपेक्ष पार्टी है, सभी जाति के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम कांग्रेस पार्टी ही करती है। पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर कहा, मंत्री जी ने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर कहा कि समय आएगा तब सभी एक मंच पर एकत्रित नजर आएंगे। इसके साथ ही मंत्री जी ने कहा कि दीवारें भी बीजेपी के खिलाफ बोल रही हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है और प्रत्येक विधानसभा में भ्रष्टाचार की खिड़कियां बढ़ गई हैं। वही दावा करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी 2024 में चुनाव में डबल डिजिट भी नहीं कर पाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा 4 डिप्टी CM बनाए जाने के बयान पर लेकर कहा कि बयान देने से कुछ नहीं होता है, बयान हर कोई दे रहा है, जो भूपिंदर सिंह हुड्डा बोल रहे हैं वह उनके खुद के विचार हैं। देखिए कि आज जो खास मकसद है यहाँ आने का और आप पत्रकार भाइयों को एड्रेस करने का, आज मेन मुद्दा है OBC का, और रोहतक में पीछे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें शैलजा बहन जी भी आई थी और बड़े लीडर भी आए थे, जिसको अनिल सैनी जी ने ऑर्गेनाइज किया था, और उसके अंदर ये मांग रखी गई थी कि एक सीट रोहतक और सोनीपत में से OBC समाज के लोगों को मिलनी चाहिए। और मेरा तो मत ये है, मैं तो ये कहता हूँ कि आज कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सेकुलरिज्म के ऊपर टिकी हुई है, जिसकी बेसमेंट जो है वो धर्म निरपेक्षता के ऊपर है। हम चाहते हैं कि सभी जातियों को साथ लेके चलें, हर किसी को समानता के हिसाब से उसका हक मिले, और इसीलिए मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि भाई दो सीटें तो दलित समाज के लिए सुरक्षित हैं, और इसी तरह से आप समानता के हिसाब से आज सोनीपत पार्लियामेंट्री हलके में मेरे हिसाब से कम 6 से 6.5 लाख वोट OBC समाज का है, चलो जितना भी है मेरा जो मेरे पास जो फिगर है, और इसी तरह से रोहतक पार्लियामेंट्री हलके में भी कम से कम 5 और 6 लाख के करीब OBC समाज की वोट है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से, राहुल गांधी जी हमेशा बात OBC की करते हैं, दलित समाज की करते हैं, सभी को साथ लेके चलने की बात करते हैं, यही हमारा नारा है कांग्रेस पार्टी का। तो आज हम यहाँ पे आए हैं तो यही इसी बात को लेकर, क्योंकि हम सारे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और मांग हमारी ये है कि रोहतक और सोनीपत में से एक सीट OBC समाज को दी जाए, ये मेन एजेंडा है आज का। बत्रा जी, 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी हारी थी, आप क्या मानते हैं हार के वजह क्या रही? देखो, कुछ तो वजह रही होगी, मैं तो बड़ा बेबाक तरीके से बात कहता हूँ, कुछ ना कुछ कमियाँ रही होंगी ज़रूर, लेकिन जो आज की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बुरी तरह से हर मुद्दे के ऊपर, हर इशू के ऊपर विफल हो गई है। आज देखो, एम्प्लॉई सड़कों पर है, महंगाई चरम सीमा पे है, अनएम्प्लॉयमेंट आज पूरे देश के अंदर नंबर 1 पे है, आज लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा चुका है, रोज़ाना वारदातें, आप मेरे पास तो होम का महकमा है, रोज़ाना कितनी वारदातें हो रही हैं। तो आज हर इशू पे, जहाँ किसान देश का एक साल से ऊपर सड़कों पे बैठा रहा हो, और कितने किसान बेचारे मारे गए, मर गए, खुदकशी कर ली उन्होंने, आज किसान मजदूर व्यापारी एम्प्लाई हर वर्ग बुरी तरह से त्रस्त है इस मौजूदा सरकार से। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तो उनके तो दो इशू हैं, धर्म
या कास्ट के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं और कांग्रेस पार्टी एक धर्म निरपेक्षता के ऊपर निर्भर करने वाली और सभी जातियों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है जिसका नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे साहब ये लोग करते हैं। और इनका पुराना अगर आप इतिहास देखो तो फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा हुआ इतिहास है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, आपने सवाल किया आपने कि कांग्रेस पार्टी 2014 में उसकी हार के कारण क्या थे, कुछ तो कारण रहे होंगे, हो सकता है कि हम कुछ इश्यूज में भटक गए हों, नंबर एक। नंबर दो, ये बीजेपी सरकार का जो एजेंडा है धार्मिक एजेंडा, अब चला तो इशू था, मैं इसको लंबी उसमें नहीं जाना चाहता, अन्ना हजारे साहब ने एक मंच तैयार किया था और उसको इनकैश किया अपोजिशन की पार्टीज ने, तो इसलिए एजेंडा हमारा, क्योंकि इलेक्शन लोकसभा के सर पे हैं और एजेंडा यही है कि ओबीसी को एक सीट दो में से दी जाए और पूरे प्रदेश के अंदर लोकसभा में दो ओबीसी समाज को, दो दलित समाज को सीट दी जाए। और यही मैं हमेशा कहता आया हूँ और मैंने तो इवन एक पंजाबी के नाते पंजाबी समाज के लिए भी दो सीटों की डिमांड की है, वहाँ भी मैंने कहा एक कुरुक्षेत्र एक फरीदाबाद सीटें, जहाँ से कुरुक्षेत्र से सरदार हरपाल सिंह और फरीदाबाद से चौधरी भजन लाल कहाँ से चले और कहाँ से जाके चुनाव लड़ा और दोनों विजयी रहे। और इसलिए हमारा जो आज स्ट्रेस है कि आज ओबीसी समाज जो है, जिसमें सैनी समाज हैं, जिसमें खाती लोहार हैं, जिसमें 36 जातीस के लोग हैं, कश्यप हैं, जिसमें जांगड़ा हैं, जिसमें आपके मुसलमान हैं, मोमडन्स हैं, तो सभी जातियां आज अहीर हैं। अब आज पूरे प्रदेश के अंदर कोई पार्लियामेंट्री हलका उठा कर देख लो, 5 से 6 लाख मिनिमम वोट है इनका, लेकिन आज हैं कहाँ, कहीं भी नहीं है। इसलिए हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। अनिल सैनी जी मेरे साथ बैठे हैं, सतपाल चौहान जी बैठे हैं, अनिल सैनी ऑल इंडिया बैकवर्ड सेल के कोऑर्डिनेटर हैं, यूपी के प्रभारी हैं, अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी इनके जिम्मेवारी लगाई हुई है, वो बड़े लीडर हैं। तो आज सभी लोग आपके बीच में बैठे हैं, सतपाल चौहान ऑल इंडिया राजपूत समाज के प्रधान जी, जिस प्रकार से 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं, तैयारियां जुटी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपना संगठन जो है गुटबाजी वो लगातार सामने देखी जा रही है। सोनीपत में सम्मेलन करते हैं, दलित सम्मेलन हुआ, इससे पहले शैलजा जी ने किया तो वहाँ पर सोनीपत के ही विधायक सम्मिलित नहीं होते, अब हाल में ही हुड्डा गुट ने किया तो यहाँ पर जो है शैलजा गुट के लोग बहुत कम लोग दिखाई नहीं दिए या शैलजा जी भी नहीं पहुँच पाए, ऐसा क्या मानते हैं कि गुटबाजी इतनी ज़्यादा है और 2024 की लड़ाई एक एक स्तर पर लड़ने की तैयारी बात कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि मैं, मेरा खुद का कैरियर संगठन में बहुत लंबा रहा है, मैं 17 साल रोहतक जिले का प्रधान रहा हूं, प्रदेश का महामंत्री रहा हूं, 10-12 साल AICC का मेंबर रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब समय आएगा, आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं सभी लीडर एक मंच पे आएंगे, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने एरिया के अंदर ये काम करने लग रहे हैं। आप बीजेपी का हालत देख लो ना, जो सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर अटैक करते हैं, आज ओम प्रकाश धनखड़ कहाँ हैं, आज एकदम नैब सैनी जी को लेके आए हैं, उससे पहले नैब सैनी कहाँ था। आज ओबीसी कार्ड को सिर्फ खेलने के लिए, कागजों में दिखाने के लिए, आज मैं पढ़ रहा था किसी अखबार के अंदर नैब सैनी जी का बयान कि ओबीसी की कांग्रेस पार्टी बात करती है वोट बैंक लेने के लिए और काम ओबीसी के लिए नहीं करती। मैं पूछना चाहता हूँ, इससे पहले नैब सैनी जी मिनिस्टर थे खट्टर साहब की सरकार में, क्या किया उन्होंने ओबीसी के लिए? मेरा सीधा उन्हीं को एक सवाल है कि आप मंत्री रहते हुए आपने क्या किया? आज आपको क्योंकि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो आपको ओबीसी याद आने लग गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज ओम प्रकाश धनखड़ बनाए थे, वो जगह जगह घूम रहे थे, एक मिनट नहीं लगा उनकी छुट्टी कर दी सिर्फ एक कार्ड खेलने के लिए। हमारी जहां तक बात है, आप देख लेना
आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी थंपिंग मेजोरिटी के साथ सत्ता में आएगी, सारे लीडर एक मंच पे आएंगे और कोई किसी किस्म की कोई गुटबंदी नहीं है। राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़के साहब, ये सारे अब शैलजा जी पदयात्रा करने जा रही हैं 1 जनवरी से। कहाँ से शुरू करेंगी, अभी प्रोग्राम आपके सामने आ जाएगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने उसके गोबे तो कहीं ना कहीं जनता पर असर नहीं पड़ेगा। देखिए मेरी सुनो, मेरी बात आपको बताऊं, मैं मेरी उम्र भी 76-77 के नज़दीक जा ली, जब नारेबाजी होती है ना, जब भीड़ इकट्ठी होती है तो समझ लो सत्ता में आने जा रहे हैं। आज जहाँ भी ये लीडर जाते हैं वहाँ जनसैलाब का यूँ उमड़ के आ जाता है। आज दीवारें भी बीजेपी के खिलाफ बोल रही हैं, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, आज कोई ऐसी कांची चौंसी खिड़कियाँ बड़ी हुई हैं कॉरपोरेशन के अंदर, यहाँ 10,000, यहाँ 20,000, यहाँ 50,000, यहाँ 1,00,000, भ्रष्टाचार ओपन। अगर किसी राज के अंदर अगर हुआ है करप्शन का बोलबाला तो भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए आप वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनकी तो एक नीति है, धर्म के नाम के ऊपर, जाति के नाम के ऊपर भाईचारे को बांटो, बंटवारा करो और राज करो, ये चलेगा नहीं। वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर ख़त्म हो चुके हैं। बीजेपी डबल डिजिट भी पार नहीं करेगी, आप कागज़ पे लिख लेना, कांग्रेस विल कम इन फुल स्विंग और कांग्रेस सत्ता में आएगी। लगातार कह रहे हैं कि 4 डिप्टी CM बनाएंगे, हाँ जी 4 डिप्टी CM बनाएंगे, हरियाणा में सरकार बनती है तो बीजेपी लगातार कटाक्ष कर रही है कि वोट के चक्कर में 4 डिप्टी CM का ऐलान कर रही है। देखिए डिप्टी सीएम तो बनाएंगे दिल्ली वाले बैठ के, राहुल जी बनाएंगे, हमारी तो पार्टी हाईकमांड ही फैसले करती है। अब रही बीजेपी की बात, कल मैं इन्हीं के लीडरों का बयान पढ़ रहा था, हम भी बनाएंगे, ये भी बयान देने लग रहे हैं, तो बयान देने में क्या है, सुनो बयान। अब मैंने इन्हीं डिप्टी सीएम के नाम के ऊपर मैंने भी बयान दिया था, मैंने कहा भाई हमें सामान्य जाति में क्यों रखते हो, हैं कहो कि पंजाबी भी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो जो 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 जिसके जी में आता है वो कह देता है, तो अगर कहा है तो अच्छी बात है। बत्रा जी, लेकिन जैसे हुड्डा साहब यहाँ घोषणाएं कर रही हैं चुनाव से पहले ही, उन्होंने कई घोषणाएं की हैं, उनको आपकी ही पार्टी की, चाहे किरण चौधरी हो चाहे शैलजा जी हो, वो उन घोषणाओं को ही कहती है कि तो उनकी इंडिविजुअल घोषणाएं हैं पार्टी हाईकमान। देखिए ऐसा है, आपने बीच में देखो ऐसा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, शैलजा बहन जी 15 साल यूनियन मिनिस्टर रही हैं और वर्किंग कमेटी की मेंबर है। कोई बयान कुछ दे लेकिन एक सच्चाई है, चौधरी भजनलाल जी के साथ मेजॉरिटी थी चीफ मिनिस्टर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने के नहीं बने, बने ना, ये फैसले चीफ मिनिस्टर के या मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए ये पार्टी लीडरशिप करती है, पार्टी हाई कमांड करती है, ये मैं भी कहने लग रहा हूँ। अब ये 2 दिन पहले का बयान मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुद पढ़ा है, उन्होंने भी कहा है कि ये पार्टी फैसला करेगी, हाई कमांड फैसला करेगी। जहाँ तक 2 बनेंगे 4 बनेंगे ये आदमी की अपनी अभिव्यक्ति है, अपने विचार हैं, ये जो विचार उन्होंने रखे हैं ये उनके खुद के हैं, बाकी फैसला तो पार्टी लीडरशिप करेगी। नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस खाली हो चुकी है क्योंकि भ्रष्टाचार से भरी हुई थी और तमाम जो उनके टाइम में काफ़ी भ्रष्टाचार था, नौकरियों में बोलबाला था, पैसे लेकर नौकरियां लगती थी। देखिए नायब सिंह सैनी, अच्छा उन्होंने तो एक ऑडियंस ने कहा, जो मैंने वीडियो देखा है कांग्रेस, तो उन्होंने पूछा पनौती क्या क्या पनौती, तो उन्होंने कहा, उनको समझ में आया और मैं कहने लग रहा हूँ कि ठीक पनौती शब्द का, ये शायद ना जाते महानुभाव हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर ना जाते हम जीत सकते थे, मैं कह रहा हूँ ये कारण कि वहाँ ऑडियंस प्लेयर्स को बूस्टअप करने के लिए जाती है और बजाय उनको बूस्टअप करने के वो तो मोदी मोदी वो अटेंशन की जो डाइवर्सिफिकेशन है
उससे प्लेयर्स का जो मोरल है जो हाई होना चाहिए था उसको डाउन किया है। तो मुझे याद है फुटबॉल का मैच था जर्मनी के अंदर और हिटलर तानाशाह था, वो उस मैच को देखने के लिए चले गए और जो प्लेयर्स से उनको ये एक शंका खाई जा रही थी कि अगर कोई थोड़ा सा भी फाउल हो गया तो ये तानाशाह कहीं हमें मरवा ना दे। वो उनके अंदर की जो कॉन्शियस थी वो पूरी तरह से नहीं खेल पाए और जब वो फुटबॉल का मैच जर्मनी हार गया तो हिटलर ने ये लिखा अपनी किताब में कि मुझे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, अगर मैं उस मैच को देखने ना जाता तो हो सकता जर्मनी जीत जाता। और मैं अब दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मोदी साहब मैच देख, वो तो ड्रेसिंग रूम में भी चले गए जहाँ रूल्स के मुताबिक वहाँ जा नहीं सकते आप, तो इट इज़ जस्ट ए शो ऑफ, ये तो सिवाय रोज़ाना। अब मैं तो ये भी मैंने कहा है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जितनी एड राजस्थान में 2000 की मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं मनोहर लाल जी खट्टर और उसकी एड दे रहे हैं हरियाणा में, वो पैसा किस कहाँ से जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। रोज़ाना जो पेपर भरे हुए आ रहे हैं जिसके अंदर खट्टर साहब की, अरे देख ली फोटो आपकी, देख ली सारा प्रदेश देखने लग रहा, अब तो कम से कम हाथ जुड़वा लो, लोगों का पैसा क्यों फूक रहे हो आप। तो ये चीज़ें आप लोग बड़े जागरूक हैं, आने वाले समय के अंदर आप देखना कांग्रेस हरियाणा में भी सरकार बनाएगी, देश में भी कांग्रेस सत्ता में आएगी और 5 स्टेटों में 5 के अंदर कांग्रेस विल स्वीप द पोल। एक आखिरी सवाल, 2024 की लीडरशिप क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधों पर रखकर की जाएगी या शैलजा के कंधों पर, ये क्या मानते हैं? ये फैसला पार्टी हाई कमांड का है, ये फैसला राहुल जी का है, ये सोनिया जी का है, ये खड़के साहब का है, ये फैसला उनका है। इसके अंदर ना तो मैं हूँ, ना कोई और है, ना कोई अपने आप को कुछ प्रोजेक्ट कर रहा हो, ना वो है, जो पार्टी चाहेगी वही होगा। ठीक है, धन्यवाद आपका। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।